हाय जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके बुंदेलखंड झांसी विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड सब्जेक्ट्स साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, पहले आइए एक नज़र डालते हैं आपके सिलेबस पे कि आपके सिलेबस क्या है और उसके कौन से पॉइंट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो ये आपका सिलेबस है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। वास्तव में इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें आपको देखेंगे आप टोटल आपके फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, यूनिट वन की बात करें तो यूनिट वन में आपका जो पहला पॉइंट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट, केवल सिलेबस ही नहीं इसके आंसर्स भी देखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। पहले सिलेबस पर नज़र डालते हैं। मीनिंग, अर्थ, नेचर, प्रकृति, स्कोप, क्षेत्र, किसका, साइकोलॉजी। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, मनोविज्ञान की अर्थ क्या होती है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध है। ये प्रश्न आपके विश्वविद्यालय के बीएड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। कैसे पूछा गया, शिक्षा और मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंधों की विवेचना करिए, सिद्ध कीजिए या फिर व्याख्या करिए, विवेचना करिए कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी ऐसे सवाल पूछ देता है या फिर सवाल ऐसे पूछ सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, विवेचना करिए, वर्णन करिए। वास्तव में सवाल यह है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के आपस में संबंध क्या है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना। अगला पॉइंट, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स यूटिलिटी फॉर टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका स्कोप, उसका क्षेत्र और शिक्षक के लिए ये कितना सहायक है, इसको आपको जानना है। तो आप इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आप सभी बच्चों का स्वागत है इसका इस वीडियो में। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके अर्थ क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी तरफ से कोशिश है कि आपके विश्वविद्यालय के सारे यूनिट्स के सारे सब्जेक्ट्स की मैं अपनी तरफ से वीडियोस बनाऊं, मैं हेल्प कर दूं कि थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाए, ताकि आप जब किताब पढ़ें या सीरीज पढ़ें या गाइड पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आए, एग्जाम्स में आप और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। बातें कम काम ज़्यादा, चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो को और देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न को। आइए हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है ना, मन का विज्ञान, आपके मन को पढ़ना, आपके व्यवहारों का पढ़ना। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो मनोविज्ञान होता है, शैक्षिक मनोविज्ञान, वो किसी बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके व्यवहारों का, उसके अनुभवों का वर्णन होता है। तो मनोविज्ञान का मतलब किसी के व्यवहार का अध्ययन करना, किसी का मन का अध्ययन करना, और शिक्षा मनोविज्ञान मतलब शिक्षा में संबंधित। तो देखिए यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है मनोविज्ञान की, या दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन सा बच्चों, शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है कि शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यहाँ लिखा है कि शिक्षा से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा विज्ञान जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता हो, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में मानव के व्यवहार का अध्ययन, एक बच्चा है वो टीन एज में कैसे बिहेव करेगा, एडोलसेंस में कैसे बिहेव करेगा, शैशवावस्था चाइल्डहुड में वो कैसे बिहेव करेगा, उसका बर्ताव कैसा है, इसके बारे में मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना है बच्चों। अब आइए नीचे कुछ और लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान विधियों का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज तथा निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों को संग्रहित करके उन्हें सैद्धांतिक रूप प्रदान करता है और इसकी विधियों के द्वारा शिक्षा संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो आप
एज ए टीचर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या मैथ क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है बच्चे को इंटरेस्ट ना हो, तो आप उसकी कमियों को जान के वैज्ञानिक अध्ययन से, वैज्ञानिक ढंग से उसकी कमियों को पूरा करेंगे और फिर उसके पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करेंगे। अपने शिक्षण विधि को ऐसे इंटरेस्टिंग या रोचक बनाएंगे खेल विधि से डिस्कस करके, ताकि वो बच्चा ना पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लग जाए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम अर्थ की बात करें, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में मानव के व्यवहारों का अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों, तो बेस्ट परिभाषा जो मैंने आपको अभी बताया था, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन है। कोई बच्चा जन्म से लेकर वृद्धावस्था कैसे सीखता है, उसका अनुभव क्या है, इसी का वर्णन क्या है बच्चों, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान होता है। अगली परिभाषा की बात करें, तो अगली परिभाषा यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर ट्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन है। चाहिए कुछ और परिभाषाएं अगर आप देखेंगे, नॉल एवं अन्य के अनुसार, तो नॉल एवं अन्य के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाली मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो ये हो गई कुछ परिभाषाएं बच्चों, ठीक है। चलिए अगर हम एक और परिभाषा देख लेते हैं बच्चों, जैसा कि कॉल्सरिक ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। जो भी साइकोलॉजिस्ट के सिद्धांत और उसके एक्सपेरिमेंट ने उनका यूज कर लेना शिक्षा में, ये शिक्षा में, ये बहुत ही अच्छे परिभाषा आपके सामने। कॉल्सरिक ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोज का शिक्षा में प्रयोग। ये हो गई बात परिभाषा की, आपने अर्थ देखा, आपने परिभाषा देखा। एक पॉइंट और यहाँ पे आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब दो टाइप्स के देख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य लगभग वही है जो शिक्षा के उद्देश्य। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को दो कोटियों में विभाजित किया, दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। पहला क्या है, सामान्य उद्देश्य, और दूसरा क्या होगा, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के बारे में स्किनर ने क्या कहा, सामान्य उद्देश्य के बारे में स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य व्यक्तियों, तथ्यों और सामान्य नियमों का ऐसा संग्रह प्रदान करना जिसकी सहायता से शैक्षिक संस्कृति और व्यवसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाने का जो उद्देश्य है उसको और से अधिक पढ़ा सके। अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, वो व्यवसाय कर रहा है, तो उसके शिक्षा को ऐसे बनाना कि वो व्यवसाय के लक्ष्य को और अधिक प्राप्त कर सके। वो बड़ा होकर जब कोई व्यवसाय करेगा या कहीं जॉब करेगा तो उसके अंदर और टैलेंटेड आए, इसी को उन्होंने सामान्य उद्देश्य रखा। और सामान्य उद्देश्य में अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। स्किनर ने कहा था, पहला बच्चों, ऐसा सिद्धांतों की खोज एवं तथ्यों का संग्रह करना जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास में सहायता प्राप्त हो, शिक्षण के शिक्षक कार्य में सहायता प्राप्त हो, एक शिक्षक जो है टीचर वो अच्छे से पढ़ा सके, शिक्षण विधियों में सुधार लाया जा सके, और शिक्षा के सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। ये उन्होंने सामान्य उद्देश्यों के अंदर रखा। विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षकों को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि बालक किस सीमा तक सीख सकता है। ठीक है, एक बाल्यावस्था का बच्चा है वो किस सीमा तक सीख सकता है, उस बाल्यावस्था को आप अमूर्त चीज़ें नहीं दे सकते, तो किस सीमा तक सीख सकता है ये बच्चों को, ये शिक्षक को बताया जाता है कि बच्चों का एज ये है, वो इस वर्ग के अंदर आते हैं तो वो इस वर्ग के अंतर्गत यही सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्य है कि शिक्षक को ये जानकारी देना कि बालक किस सीमा तक सीख सकता है, उसका सामाजिक व्यवहार कहाँ तक सुधार किया जा सकता है। अब एक छोटा बच्चा है, अब आप सोचते हो कि वो बड़े जैसा बिहेव करे, नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो अभी उस अवस्था में नहीं गया। तो ये हमें मनोविज्ञान के जरिए प्राप्त होता है, एक शिक्षक को जानकारी मिलती है कि वो सामाजिक व्यवहार में कहाँ तक सुधार ला सकता है और व्यक्तिगत एवं समायोजन में कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सकता है, कहाँ तक वो एडजस्ट हो जाए। जैसे टीनेजर की बात करें, अगर हम टीनेजर जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनको तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो उस एज में बच्चों का लाजिम है, ये नेचुरल है कि वो थोड़ा सा ना पेरेंट्स से कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनकी सोच अलग होती है, वो थोड़ा सा बीच में कुछ बहस करना, ये सारी चीज़ें मतलब लाजिम है, ये नेचुरल है। तो आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। अगला बच्चों, बालक के विकास हेतु उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करना, अर्थात उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री के चुनाव में सहायता देना, यह विशिष्ट उद्देश्य है। ये मनोविज्ञान जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो शिक्षक को बताता है कि आप कौन कैसे वातावरण बनाएं, कौन से पाठ्यक्रम से पढ़ाएं, कैसे शिक्षण विधि से पढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षक को, ये हम देख रहे हैं मनोविज्ञान के उद्देश्य।
तीसरा विशिष्ट उद्देश्य में बालकों के प्रति निष्पक्ष एवं सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास, निष्पक्ष होकर आप बिना भेदभाव करके पढ़ाना, ये सारी चीज़ें विशिष्ट उद्देश्य के बारे में आपने देखा, शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य के बारे में। चलिए अगला है बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरदर्शन पद्धति क्या होता है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरदर्शन पद्धति। देखो मनोविज्ञान के बारे में हमने जाना कि ये मनो का विज्ञान है, व्यवहारों का विज्ञान, व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है, राइट। अब अंतरदर्शन पद्धति शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अंतरदर्शन मतलब खुद को देखना, अपने अंदर की चीज़ों का दर्शन करना, समझना। ठीक है, देखिए अंतरदर्शन पद्धति क्या होता है बच्चों, व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करके उनका विश्लेषण करता है। हम अगर बहुत डिप्रेशन में हैं, क्यों डिप्रेशन में, इसकी क्या वजह है, एक छोटी सी बात को लेकर इतना खींचे बैठे हैं, इतने डिप्रेशन में बैठे, कम ऑन यार, इंजॉय करो, मुझे देखो मैं हमेशा चिल रहता हूँ, क्यों भाई क्यों इतना डिप्रेस होना, खुद का अंतरदर्शन करो ना। और मैंने तो अपने अंतरदर्शन कर लिया, मुझे सच बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार खुद का अंतरदर्शन जरूर करना, खुद को एनालिसिस करना कि किस छोटी सी बात को लेकर, यार वी आर ह्यूमन, पता है इंसान को ना, इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी ईश्वर ने बनाया है। हम कितने जानदार चीज़ें ना, पशु पक्षी पेड़ पौधे इंसान सब जानदार चीज़ें, हमसे बेस्ट कौन हो सकता है, किस बात के लिए टेंशन, किस बात के लिए सोच रहा है, किस बात के लिए नर्वस और किस बात के लिए डिप्रेशन, चल यार एंजॉय करो लाइफ में। तो अंतरदर्शन मतलब होता है कि बच्चों अपने मानसिक क्रियाओं का खुद से विश्लेषण करना। यह पद्धति मनोविज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में नहीं मिलती। स्किनर ने इस मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया है, इसके अनुसार अपनी आत्मा में देखना ही अंतरदर्शन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतरदर्शन है बच्चों। स्काउट का कहना है कि अपने मन के कार्यों को क्रमानुसार विश्लेषण करना ही अंतरदर्शन है, अपने मन के कार्यों को, आपका मन किधर जा रहा है, किधर विचलित हो रहा है, कंट्रोल करो, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अपने नफ्स को काबू करना, इस ये ना द बेस्ट जिहाद होता है, जिहाद का मतलब अपने नफ्स को काबू कर लेना, अपने मन को कंट्रोल कर लेना, अपने मन को काबू कर लेना, तो ये बेस्ट चीज़ होती है। चलिए वुडवर्थ ने कहा था कि अंतरदर्शन आत्मनिरीक्षण है, खुद का निरीक्षण करना अंतरदर्शन। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों अंतरदर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतरदर्शन के कुछ गुण देख लेते हैं। ठीक है, इस पद्धति में कुछ गुण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, अपने आप अपना निरीक्षण करना। दूसरा बच्चों, निरीक्षण की जाने वाली वस्तुओं का सदा व्यक्ति के पास रहना। दूसरों की मानसिक क्रियाओं को अनुभूति और समय की सुविधा। अब आइए थोड़ा उसको देख लेते हैं क्या बच्चों। इस पद्धति में शिक्षार्थी को स्वयं ही अपनी मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करना पड़ता है। इससे विद्यार्थी स्वयं अपने आप को समझने में समर्थ होता है, अपने आप को समझ जाएंगे, और जो इंसान अपने आप को समझ गया यार बस खत्म। चलिए अच्छा, ओझा सर की मुझे एक बात याद आ रही है। ओझा सर एक लेक्चर में कहते हैं कि जो इंसान दुनिया के सबके बारे में जानता है ना वही लोग चपरासी बनते हैं, और जो खुद के बारे में जानता है ना वो राजा बनते हैं। तो दुनिया को जानने से पहले इंसान को खुद को समझना चाहिए। ओझा सर की बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात को। अपने आप को समझना चाहिए, अंतर्दर्शन करना चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी अभी बहुत सारी चीज़ें अंतर्दर्शन करना चाहिए। निरीक्षण की जाने वाली वस्तु सदा उसको, अच्छा अंतर्निरीक्षण पद्धति में जिस व्यवहार या वस्तु का निरीक्षण किया जाता है वो हमेशा उस व्यक्ति के पास रहता है। व्यवहार का मतलब जैसे हमारा बिहेवियर हो सकता है कि हम मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय खराब कर रहे हैं, या फिर मोबाइल पे देख रहे हैं तो क्या चीज़ें देख रहे हैं, इसका दर्शन करिए, इसका अंतर्दर्शन करिए। अगर मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, मगर आप कहाँ समय खराब कर रहे हैं, अपने समय का अंतर्दर्शन करिए, कहाँ समय खराब कर रहे हैं। दूसरों की मानसिक क्रियाओं की अनुभूति। अंतर्निरीक्षण पद्धति का यह एक भी गुण है कि इस पद्धति में मनुष्य अपनी मानसिक क्रियाओं के साथ ही दूसरों की प्रक्रियाओं से भी अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति परस्पर सहयोग भी कर सकता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई सफल व्यक्ति है, वो अपने समय को कहाँ बिताता है, हम अपने समय को कहाँ बिताते हैं, तो इस प्रकार से हम दूसरों की मानसिक क्रियाओं की अनुभूति, अच्छे लोग कैसे सोचते हैं, अच्छे लोग कैसे सोच के वो आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों की बात। समय की सुविधा, इस पद्धति द्वारा समय में भी सुविधा तथा बचत होती है, जब चाहे अपने मन का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आप जब चाहे अपने मन का अध्ययन कर सकते हैं बच्चों। एक और पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। अगला पॉइंट क्या है बच्चों कि कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। एक क्लासरूम में शिक्षक अगर कोई पढ़ा रहा है तो मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, या टीचर को कौन कौन से क्षेत्र में काम करना होता है कक्षा शिक्षक के अंदर। तो पहला बच्चों, बालक की शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, बालक की शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन कि बालक कैसे रिएक्ट कर रहा है। बालक की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, बालक के संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, और वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन।
ये शिक्षा हेतु शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, इन सब अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन, कुछ बच्चे डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की जा रही है। औपचारी अपराधी बालकों का अध्ययन, कुछ क्लास में शरारती, अपराधी का मतलब वो नहीं क्रिमिनल्स, कुछ शरारती बच्चे होते हैं क्लास में, तो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। बालक की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, बुद्धिलब्धि व्यक्तिगत मापन परीक्षण का अध्ययन, ठीक है, मेंटल लेवल किस बच्चे का कैसा है, कोई बहुत तेज होता है कोई कमजोर होता है, इन सब के अंतर्गत ये क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें का क्षेत्र है। मानसिक रोगियों एवं असामान्य बालकों का अध्ययन, ठीक है, थकान अक्षमता एवं रुचि, शिक्षण विधियाँ, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, पाठ्यक्रम निर्धारण आदि अध्ययन का प्रमुख है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ये कक्षा शिक्षण के शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हमने जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको देखे, अगर कोई प्रश्न छूट गया है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, और इसी तरह से आपके इस यूनिट का जो सेकंड पॉइंट था बच्चों, हम उसको भी देखेंगे, उसको भी कवर अप करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही करके आपके इस पूरे यूनिट को कम्प्लीट डिस्कस किया जाएगा, और इसी तरह से आपके पूरे सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, पूरे सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा, अन्य सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो मेरी खास रिक्वेस्ट है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आप सभी बच्चों से कि अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में आके अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट में आके बातें करते हैं ना, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। सो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देंगे, वीडियो कैसी लगी लाइक कर देंगे, और अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाइए, इसको बुलाइए, इस चैनल से जोड़िए, सबको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छी टीम बनाएंगे, एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके विश्वविद्यालय को जब आप YouTube पे सर्च करेंगे बहुत ही कम कंटेंट मिला बच्चा अवेलेबल होगा, तो हम चाहते हैं कि चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पूरे विश्वविद्यालय के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके और एक साथ पढ़ाई किया जा सके। सो आप सभी का स्वागत है, आइए दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत साथियों।